YouTube में जाकर सिटी न्यूज पलामू को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाकर पाएं प्रमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। बालूमाथ नई रेल लाइन का लोकार्पण आयोजित भव्य समारोह के बीच रेल राज्य मंत्री मनोज कुमार सिन्हा ने ऑनलाइन हरी झंडी दिखलाकर किया। इस दौरान चंदवा टोरी स्टेशन से बालूमाथ की ओर रेल इंजन रवाना किया गया। वहीं अपने संबोधन में रेल राज्य मंत्री ने कहा कि रोजगार के लिए अब लोगों को तरसना नहीं पड़ेगा। रेल विस्तारीकरण से क्षेत्र में बेरोजगारी घटेगी, साथ ही क्षेत्र का बहुआयामी विकास भी होगा। रेल मंत्री ने टोरी रेलवे स्टेशन के लिए फ्लाईओवर निर्माण कराने का भी वायदा किया। जो ओपनिंग किया गया है, किस तरह का सार्थक प्रयास है और कितना लोगों का विकास होगा? देखिए, इस क्षेत्र में कोयला है, ये सभी को जानकारी मिलती, काफ़ी समय से जानकारी मिलती। और इस रेल परियोजना का जो इसकी परिकल्पना की गई थी 2000 उसके 18 साल के बाद ये बन रहा है। जो परिकल्पना की गई थी इसमें बहुत सारी समस्याएँ थी, तो कुछ कर करा के ये जो रेलखंड है टोरी से शिवपुर और आगे चल के शिवपुर से पटिया आगे से मिलेगा। तो फिलहाल जो टोरी से शिवपुर का पुख परियोजना है उसमें जो खंड टोरी से बालूमाथ है उसे आज उन्होंने खोला है। ये करीब 20 किलोमीटर का सेक्शन है, टोरी से शिवपुर करीब 42 किलोमीटर का सेक्शन है। और यहाँ से जो कोयला सी सी एल के मेन दो बड़े प्रोजेक्ट हैं, नगद और आम बताते हैं, इसके अलावा इसके लिए और भी प्रोजेक्ट हैं। तो यहाँ से जो कोयला का उत्पादन हो रहा है उसको बाहर जाना चाहिए, और जब जाएगा बाहर तो उसका प्रत्यक्ष स्वरूप से लोगों को लाभ मिलेगा, रोजगार मिलेगा। तो ये हैं जो सब में सभी लोग इन्वॉल्व होंगे, उसमें सब लोगों को लाभ होगा। तो इस क्षेत्र के भी प्रगति के लिए, क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि इस परियोजना का जल्दी से जल्दी पूरा करें। और आज मौका आया है, अगली गाड़ी है जो